दिल्ली में नामी वेबसाइट के नाम का यूज कर थमा दी फर्जी बीमा पॉलिसी। पुलिस ने आरोपियों को ऐसे किया गिरफ्तार। नामी वेबसाइट के नाम का यूज करके चल रहे फर्जी बीमा कॉल सेंटर को बुराड़ी पुलिस ने पकड़ा है। यह कॉल सेंटर द्वारका मोड़ के पास चल रहा था, जहां से दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही कॉल सेंटर में काम कर रही 10 लड़कियों को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नोटिस दिया है। आरोपियों में कुतुब बिहार निवासी 27 वर्षीय निहाल खान, 22 वर्षीय दीपू के तौर पर हुई है। बाकी 10 लड़कियों को मामले में नोटिस दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चीटिंग के लिए इस्तेमाल 18 मोबाइल, 2 लैपटॉप जिसमें कार मालिकों का डेटा और अन्य डिटेल थी, फ्रॉड के लिए एटीएम कार्ड जिसका यूज चीटिंग के पैसे निकालने के लिए किया जा रहा था, दिल्ली और आसपास के राज्यों के कार मालिकों की डिटेल के 1240 पेज बरामद किए हैं। इसके अलावा 4 फेक मेल आईडी मिली हैं जिसमें कई जानकारियां थी। जानिए क्या है पूरा मामला। नॉर्थ जिला डीसीपी राजा बठिया के मुताबिक 5 अक्टूबर को एक पीड़ित ने EFIR के जरिए शिकायत दी। तथ्यों की जानकारी के लिए पीड़ित को बुलाया। उसने बयान दिया कि जून 2024 में वह अपनी कार का बीमा खरीदने के लिए ऑनलाइन नंबर खोज रहा था। इसके बाद कुछ नंबरों से कॉल आने लगी। कॉल करने वाले कम कीमत पर कार बीमा दिलाने का लालच देने लगे। उन्हें नामी कंपनी के नाम से मिलते फर्जी ईमेल पते से एक ईमेल भी मिला जिसने खुद को उस कंपनी का कर्मचारी होने का दावा किया। इसके बाद 12,000 ले लिए। 30 जून को पॉलिसी के जो दस्तावेज भेजे उसमें दी गई जानकारियों पर संदेह हुआ। पीड़ित ने जिस कंपनी के नाम से पॉलिसी जारी की थी उस पर संपर्क किया। वहां से पता चला कि वह पॉलिसी नकली है। पुलिस ने केस दर्ज कर SHO अजीत कुमार की टीम ने जांच के दौरान उन मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लिया जिनका इस्तेमाल कर पीड़ित को फंसाया गया था। नामी वेबसाइट के नाम का यूज करके चल रहे फर्जी बीमा कॉल सेंटर को बुराड़ी पुलिस ने पकड़ा है। यह कॉल सेंटर द्वारका मोड़ के पास चल रहा था, जहां से दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही कॉल सेंटर में काम कर रही 10 लड़कियों को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नोटिस दिया है। आरोपियों में कुतुब बिहार निवासी 27 वर्षीय निहाल खान, 22 वर्षीय दीपू के तौर पर हुई है। बाकी 10 लड़कियों को मामले में नोटिस दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चीटिंग के लिए इस्तेमाल 18 मोबाइल, 2 लैपटॉप जिसमें कार मालिकों का डेटा और अन्य डिटेल थी, फ्रॉड के लिए एटीएम कार्ड जिसका यूज चीटिंग के पैसे निकालने के लिए किया जा रहा था, दिल्ली और आसपास के राज्यों के कार मालिकों की डिटेल के 1240 पेज बरामद किए हैं।